हेलो वेलकम टू शिक्षा विद मोटिवेशन तो आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइस रॉय विद फुल इन्फॉर्मेशन और मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैं कहूँ तो एग्ज़ाम फेवरेट है क्योंकि मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम है अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो सबसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आज ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट सेशन आने वाला है तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और जितने भी और एस के एग्जाम हैं इन फ्यूचर जैसे अप्रैल में एम टी स्टार्ट हो रहा है सी चल रहा है तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं एज यूजल अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु आज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था ऑप्शन है रॉबर्ट क्लेव वेरन हैंगस्टन विलियम बेंटी या लॉर्ड कैनिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है रॉबर्ट क्लेव ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और जो टाइम पीरियड था 1757 से 1760 और अगे दोबारा जो उनका टाइम पीरियड था वो था 1765 से 1767 इनके टहन ओवर में ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी जीती थी बैटल ऑफ बक्सर जीती थी और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहते हैं ये दोनों बैटल ऐसी थी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया की हिस्ट्री में क्योंकि इन दोनों बैटल के बाद ब्रिटिशर्स का प्रोबली कंट्रोल ज़्यादा हो गया था इंडिया पे नेक्स्ट है इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान किस गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया था 1773, 1858, 1774 या 1885. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इस इसी एक्ट से डिज़ाइन किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसी से क्रिएट किया गया था जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था उसकी हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट थी जिसमें फोर मेंबर थे एसेट करने के लिए नेक्स्ट इज़ हु आज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था रॉबर्ट क्लाइव वेरन हैंस्टन विलियम बेंटिंग या लोड कैनिंग तो इसका भी करेक्ट आंसर है वेरेन हैंगस्टिन तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुई थी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जून 1773 में तो उन्होंने वेरेन हैंस्टिन को अपॉइंट किया था और जो वेरेन हैंस्टिन का टाइम था वो था सेवनटीन से प्रोबेबली नेक्स्ट इज वेरी नेक्स्ट इन इनके टाइम में के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिख लेते हैं जैसे बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड रहा है इनका थर्टीन ईयर्स का तो पहले तो ये फर्स्ट है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इन इनके टाइम पीरियड में डोअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस्टेब्लिश हुई जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार था और ट्रीटी ऑफ सालबाई थी वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में साइन हुई थी फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवदगीता भी इन के टेन और हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी इन्हीं के टाइम पीरियड में आया और इम्पीचमेंट ऑन वेर हेंगस्टीन और ये भी ये पहले ऐसे गवर्नर थे जिनके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रोबेबली नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जाना जाता है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह कोर्ना वॉलिस जो इनकी डेथ और बुरियल थे वो गाजीपुर इंडिया में है और लोड कार्नावालिट ने ही पुलिस फोर्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया था और इन्हीं के टाइम पे जो अलग स्टेबलिशमेंट हुई वैसे संस्कृत कोलिज का इन्स्टमेंट हुआ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर था और ट्रीटी ऑफ सिंगी रंगपट्टम भी इन्हीं के टाइम पीरियड में साइन हुई इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ प्लस सिविल सर्विसेज भी तो इनके कुछ टाइम के इंपोर्टेंट वर्क्स हैं जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था रॉबर्ट क्लाइव वर्न एक्सटन विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग तो इसका करेक्ट आंसर है विलियम बेंटिक तो विलियम बेंटिंग इज़ नोन फॉर सोशल रिफॉर्म्स जो इनका टेन था वो सोशल रिफॉर्म्स से जाना जाता है इन्हीं टाइम पीरियड पर जो जो सती सिस्टम था वही एबोल्यूश हुआ था विद द हेल्प ऑफ राजा मोहन राय एट्टीन ट्वेंटी नाइन में सप्रेशन ऑफ टोगी हुआ सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड भी हुआ चार्ट जो चार्टर एक्ट था 1833 वो भी इनके टाइम पे में ही पास हुआ जिससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज अपॉइंट हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया और जिस एक्ट से हुआ था उस एक्ट को कहते हैं सेंथ हेलेना एक्ट तो ये नाम भी आप एग्जाम पुलट से याद रख सकते हैं एग्जाम में पूछाने के चांस हो जाते हैं नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो भारत का प्रथम वाइस रॉय कौन था रॉबर्ट क्लेव वेल्टन विलियम एंटी की लॉर्ड कैनिंग तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग तो द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 एंड द इंडियन पिनल कोड ऑफ 1862 ये सारी एक्ट इन्हीं के टाइम पे ही पास हुई लोड कैनिंग के टाइम पे और इन्हीं के टाइम पे 1857 का रिवोल्ट भी स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन द गवर्नर जनरल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द क्राउन बिकम एज द वाइस रॉय तो एटीन फिफ्टी एट का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो उसमें था जो गवर्नर जनरल रिप्रेजेंट कर रहा था उसको क्राउन के अंडर वाइस रॉय अपॉइंट कर दिया गया था तो so ये पहले थे वाइस रॉय लोड कैनिंग नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं जैसे तीन तीन यूनिवर्सिटी इस्टब्लिश हुई कहाँ पे कोलकाता में मद्रास में और बॉम्बे में कहा कब एटीन फिफ्टी सेवन में लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले वाइस रॉय थे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत एग्जाम पॉइंट टू इस एस एस तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन वो पूछता है वो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइस रोय रिवेल्ट हुआ एटीन फिफ्टी सेवन वाला एटीन फिफ्टी एट वाला एक्ट पास हुआ जिससे कंपनी का रूल एंड कर दिया गया था और ब्रिटिश जो क्राउन था उसका रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में डायरेक्टली विड्रो डॉक्टर ऑफ लैप्स इन्होंने डॉक्टर ऑफ लैप्स की जो हड़पने की दी थी उसको एंड किया था एक नोट है पोस्ट 1857 फिफ्टी सेवन रिवॉर्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड वाइस रॉफ ऑफ ब्रिटिश इंडिया कैन ही बिकम द फर्स्ट वाइस ऑफ ब्रिटिश इंडिया तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्लीज रिमेंबर नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था माउंट बेटन वेरन हेनस्टिन विलियम बेंटिक लोड कैनिंग तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट बेटन माउंट बेटन लास्ट वाइस रफ ऑफ इंडिया थे और पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे फर्स्ट और इंपोर्टेंट देख लेते हैं क्या क्या है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वेर एग्जिस्टिंग विद्यूर ऑफिस ऑफ सेवनटीन सेवन टू से चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट थर्ड इज विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थर्ड मेन पॉइंट फोर्थ इज लॉर्ड कैनी ई बिकम द फर्स्ट वाइसरेव ऑफ इंडिया ब्रिटिश इंडिया है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड माउंट बेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया और वी कैन से इंडिपेंडेंस इंडिया ठीक है राजा गोपालचारी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल एक अकेले गवर्नर जनरल थे और लास्ट गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के राजा गोपालचारी इंपोर्टेंट है वो तो याद रखना मैन द फॉलोइंग जैसे वेर हेंगस्टन लॉर्ड कोर्नावालिस श्री जोन सोरे और लॉर्ड वेलिसली तो इन्होंने जो जो इनके वर्क्स हैं उसको करेक्ट मैच करना है सब्सिडरी अलायस किसने अपॉइंट किया सिस्टम पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल और अबोल्यूशन ऑफ डोअल सिस्टम तो इसका जो करेक्ट मैच है वो है वेर हेंगस्टन ने क्या किया अबोल्यूशन ऑफ डोअल सिस्टम लॉर्ड कोर्नावालिस ने परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल सर जॉन सोरे ने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस और लॉर्ड वेलेसली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग मेड द पर्शियन एंड ए वर्ल्ड लैंग्वेज फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग इन लोअर कोर्ट मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश और लोअर जो लोअर कोर्ट थे सुप्रीम कोर्ट से नीचे उनके लिए पर्शियन और वर्ल्ड लैंग्वेज को प्रोसीडिंग के तौर पर यूज़ करने के लिए अलाउ किया था लॉर्ड हेरिंगस्टिंग वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वहन बॉम्बे वाज़ डेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंसी जो लॉर्ड हेरिंगस्टिंग थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जनरल जब बॉम्बे को डिजाइन डेजिनेटेड किया था एज ए प्रेजिडेंसी थर्ड इज द इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 तो ये भी इन इसका का ईयर पूछ लेते हैं कभी कोई एग्जाम में तो इसको भी कीप इन माइंड कि जो इंडियन स्लेबरी एक्ट थी वो उसका एयर कौन सा था कबाई थे वो एट्टीन ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अकॉर्डिंग विच आउटलेड मैनी इकोनॉमिक ट्रांसिजन एसोसिएट स्लेवरी। लॉर्ड एलनबर्गब वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल वहन स्लेवरी वॉज एबोलिश जब स्लेवरी को एबोलिश किया गया था उस टाइम पर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया में तो वो थे लॉर्ड एलन बर्ग। नेक्स्ट इज लॉर्ड डफरीन टाइम ऑफ कांग्रेस स्टेब्लिशमेंट जब कांग्रेस का स्टेबलिशमेंट हुआ था उस टाइम पर जो थे लॉर्ड डफरीन थे फर्स्ट सेंसस जब हुआ लोड में थे कब 1872 में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसेक्स तो लोड रिपन किस टाइम पे स्टार्ट हुआ द सेंसेज ऑफ 1881 एटी वन विच वॉज अंडरटेकन ऑन सेवनटीन फेबर एटीन एटी वन बाई वी सी पोलडोन तो इनके टाइम पे ये एटीन फिफ्टी एटीन एटी एटी वन वाला जो अंडरटेकिंग ये सेंसेक्स था वो स्टार्ट हुआ था किसके चेयरमैन चेयरमैन कह सकते हैं चेयरमैन थे वी सी पोलडोन नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग है विलियम जोन्स थॉमस मुंड्रो लॉर्ड विलियम बैंटिक और लॉर्ड हैसटिन तो रेयतवाडी सेटलमेंट इन मद्रास अबोलिशन प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम एथियेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस अमंग ऑफ सेंट्रल इंडिया तो इसका जो करेक्ट मैच द फॉलोइंग है वो ये है विलियम जोन्स ने एथेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थॉमस मुंड्रो ने रेतवाड़ी सिस्टम स्टेर्म, सेटलमेंट इन मद्रास इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अबोलिये और प्रोहिबिशन ऑफ सती सिस्टम विद द हेल्प ऑफ राजोहन राय एंड लॉर्ड हार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस ऑफ सेंट्रल इंडिया ये इन्होंने किया था नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉर्नोलॉजी ऑफ एनेक्सेशन अंडर द डॉक्टर बाई डॉक्टर लोड डलौजी जो जो, जो लॉर्ड डलौजी की जो डॉक्टर ऑफ लैब्स थी उसके कॉर्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पहले और कौन कौन सा लास्ट में एनेक्स uh, किया गया था ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा तो सतारा जयपुर और संबलपुर नागपुर और झांसी जा, तंजौर और आरकोट और उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है तो कीप इन माइंड तो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी वो ये है कंपनी टुक ओवर द प्रिंसली स्टेज ऑफा सतारा 1848 में सतारा को किया जयपुर और संबलपुर को 1849 में किया नागपुर और झांसी को एक साथ किया 1854 में तंजोर और कोट को किया था 1855 में उदयपुर जो छत्तीसगढ़ में है उसको एट्टीन सिक्सटी में किया अंडर दर्म ऑफ डॉक्टर ऑफ लैब्स किसने इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड डलोजी ने लॉर्ड डलोजी इनका जो टेन ऑवर का टाइम पीरियड था वो 1848 से 1856 था कौन कौन सी चीज़ हुई इंट्रोड्यूस ऑफ डॉक्टर ऑफ लैब्सि के नहीं था इससे क्या करते थे बोलते थे कि आप वी को आप शासन नहीं कर सकते तो उस टेरेटरी को एनेक्स कर लेते थे चार्लीज वो डिस्पैच हुआ इनके टाइम भी पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में ये भी इंपॉर्टेंट है इसको भी याद हैं पो, पोस्ट ऑफिस एक्ट जो एक्ट है इसका ईयर पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने वो भी इनके टाइम पे स्टार्ट हुई सेकेंड सिक्स सेकेंड सिक एंग्लो वॉर भी इन्हीं के टाइम पर हुआ फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इनके टाइम पर हुई स्टार्टिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस वो भी इनके टाइम पर हुआ विडो री एक्ट भी इनके टाइम पर पास हुआ और आल्सो एज फादर ऑफ़ इंडियन टेलीग्राफ इनको फादर ऑफ देखो कितने सारे फादर ऑफ़ फादर कहा जाता है इनके तो सारे इंपॉर्टेंट है याद रखना फादर ऑफ़ इंडियन टेलीग्राफ फादर ऑफ इंडियन रेलवे फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज ठीक है ये सारी चार के चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है कीप इन माइंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आइज परमानेंट सेटलमेंट वाज इंडोड्यूस बाय तो स्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई कॉर्नवालिस इज बेंटिक या कैनिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस कब स्टार्ट हुआ 1793 में दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार तो ये सेटलमेंट होता था ना परमानेंट सेटलमेंट ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच होता था उससे क्या करते थे लोग लैंड रेवेन्यू फिक्स कर लेते थे ठीक है रिटर्न तो लोड रिटर्न का जो टाइम पीरियड था वो 1876 से 1880 था फोर इयर्स इनके टाइम पर वर्डकुलर प्रैक्स एक्ट जो आया था एटीन सेवेंटी एट आर्म्स एक्ट एटीन सेवनटी एट इग्नोर्ड सीवियर फेमाइन और ऑर्गेनाइज दरबार प्रोक्लेम्ड क्वीन विक्टोरिया एम्प्रेस ऑफ इंडिया टैक्स ऑन कॉटन फॉर ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मिनिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विस एग्जाम लोअर्ड फ्रॉम ट्वेंटी वन टू नाइनटीन सिविल सर्विस के एग्जाम के पहले ट्वेंटी वन एज थी उसको कम करके नाइनटीन कर दिया गया जो कॉटन में टैक्स था वो ब्रिटिश ट्रेडर के लिए हटा दिया गया वर्ड निकुलर प्रेस एक्ट को लिया है आर्म्स एक्ट लिया है इग्नोर कर दिया फेमा ऑर्गेनाइज दरबार को और बोला कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो इंडिया के एम्प्रर है मतलब एम्पर है ठीक है रानी है लॉर्ड मियो एटीन से एटीन फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सेंट्र और स्टेट के बीच इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि स्टेट को कितना देना पैसे देना है जो टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट सेंसेस हुआ इन्हीं के टाइम पे 1872 सेवनटी टू लॉर्ड मियो कॉलेज फॉर रॉयल एलाइट सेट सेटअप लॉर्ड में वो था ओनली गवर्नर जनरल हु किल्ड इन इंडिया लॉर्ड में एक अकेले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जो इंडिया में मारे गए थे ही वाज किल्ड बाय शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर और इनको जिसने मारा था उनका नाम भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में तो वो थे शेर अली अफरीदी पोर्ट ब्लेयर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस एस आई जिसको बाद में अब एन कहते हैं ना एन एस एस जो हमारी इकोनॉमी की जी वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन उसको रिपन और डफरिन लोड रिपन का जो टाइम पीरियड था वो एटीन से एटीन था वाज द मोस्ट लव लवड, लवड गवर्नर जनरल थे रिपील्ड द कॉन्ट्रोवर्शियल आर्म्स एंड वर्नगुलर प्रैक्स एक्ट को रिपील किया इन्होंने सेटअप किया सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपालीज बोर्ड भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट टाइम इंडिया में और इनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है ये जो तीन है ना एक तो कैनिंग सिविल सर्विस वाले फ़ादर एक लोड डलोजी उनको फादर कहा जाता है चार इंपोर्टेंट पॉइंट्स का और ये जो तीनों है ना इनको तीनों को तो बस रट जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन वी पंजाब यूनिवर्सिटी 1884 और अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में है तो ये दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ इनका नाम पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं किसने इस्टेब्लिश किया था एल्बर्ट भी लाया था इंडियन जज कैन नोट ट्राई इंग्लिश जज इन्होंने का जो इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मैन के जो केस होंगे वो इंग्लिश जज ही सुनेंगे और वो जो इंग्लिश जज होगा वो सबके केस सुन सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन हंटर कमीशन भी इन्होंने ही अपॉइंट किया था लॉर्ड डफरेंट की बात करें तो एटीन एट्टी फोर से एटीन एटी एट थर्ड एंग्लो बर्मीज़ वार भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था एटीन फिफ्टी एट से एटीन एट्टी सिक्स इसका ईयर भी याद रखना इस वॉर का पूछ लेते हैं एग्जाम में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन एटीन एट्टी फाइव वो भी डफरिन दर, के टाइम पे ही इस्टब्लिश हुई थी हार्डिंग और क्लिम्स तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड नाइनटीन टेन से नाइनटीन सिक्सटीन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली दे, कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया कैपिटल हिंदू महासभा इस्टेब्लिश हुई बाई मदन मोहन मालवीय इन्हीं के टाइम पीरियड में लॉर्ड क्लिम्स अवॉर्ड से नाइनटीन ट्वेंटी होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ रोल एक्ट एट पाक्स हुआ इन्हीं के टाइम पे मोंटिको क्लिम्स रिफॉर्म्स भी आए थे जिनसे इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स भी आए थे नाइनटीन वाले कैनिंग एल्गिन और लॉरेंस तो कैनिंग का जो टाइम पीरियड था वो 1858 से 1862 था एबोल्यूशन ऑफ डॉक्टेनो फ्लैप्स जो कि ड्रीन ने स्टार्ट करी थी लॉर्ड एनगिंग का जो टाइम पीरियड था 1862 से 1863 था वह भी मूवमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टाइम पे चला था लॉर्ड लॉरेंस का था 1864 से 1869 सिक्सटी इस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन कलकत्ता मद्रास ड्यूरिंग राइंग तो इन्हीं के टाइम पे हाई कोर्ट जो हो कोलकाता और मद्रास वाला स्टलूशन हुआ था और एंग्लो वोटेनिस वार भी इन्हीं के ही टाइम पे हुआ था लोड रीडिंग 1921 से 1926 स्वराज पार्टी फॉर्मड हुई चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ ठीक है लोड इरविन 1926 से 1931 थर्टी वन लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबेन्स मूवमेंट और गांधी मार्च फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लेकिन तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उन दिनों में अम्बेडकर और सरोजी नायडू तीनों ने पार्ट लिया था गांधी जी ने फर्स्ट में पार्ट नहीं लिया था सेकेंड थर्ड में पार्ट लिया था लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 सेकंड राउंड टेबल थर्ड राउंड टेबल इन्हीं के टाइम पर हुई पूना पैक्ट साइन किया गया था गांधी जी और अंबेडकर के गांधी जी और अंबेडकर के बीच कॉमिनल अवार्ड स्टार्ट हुए इनके टाइम पे ही लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पे लॉर्ड लिलित को 1936 से 1944 क्रिप्स मिशन आया 1942 में और क्वेट इंडिया मूवमेंट भी 1942 में स्टार्ट हुआ था ये दोनों चीज़ नी टाइम पीरियड हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट क्या था याद रखना वेवल और माउंट बेटन तो लोड वेवल का जो टाइम पीरियड था वो नाइनटीन फिफ्टी uh, से नाइनटीन था सी आर आया 1944 में लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे आया वेवल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस भी नी टाइम पर हुआ लॉड माउंट बेटन नाइनटीन फोर्टी सेवन से नाइनटीन फोर्टी थर्ड जून प्लान भी इनके टाइम पर आया था और लास्ट वाइस रोय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम के पे थे लॉर्ड माउंट बेटन हु मंग द फॉलोइंग पास द वर्नकुलर प्रेस एक्ट तो वर्डकुलर प्रेस एक्ट किसने पास किया था रिपन लिटन बेंटिक या मिंटो तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन पास हुआ था एटीन में इट वॉज़ प्राइमरी टारगेटेड अगेंस्ट अमृत बाजार प्रतिका ये प्रतिका थी अमृत बाजार इसको टारगेट करने के लिए इसको रोकने के लिए इससे लोग ना पढ़े बंद हो जाए इसकी ब्रिंडिंग इसके लिए ही ये एक्ट लेकर आए थे जो कि स्टार्ट किया था गोसर मोतीलाल ने ये, ये मैगजीन स्टार्ट करी थी इसको रोकने के लिए इन्होंने एक्ट बनाया था द एक्ट वॉज़ रिपीट बाई लोड रिपन फिर लोड रिपन ने एटीन एट्टी वन में इस एक्ट को रिपील कर दिया था खत्म कर दिया था द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वास पास इन विच ईयर तो सती प्रथा अधिनियम नियंत्रण कब किस में पास किया गया 1829, 1835, 1834 या 1830 तो यह हुआ था 1829 में राजा राम मोहन राय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग पास दिस एक्ट तो राजा राम मोहन राय बेंटिंग ने मिलकर 1829 में यह एक्ट पास किया था अरेन्ज द स्टेट अक्वायर बाई सब्सिडरी अलायंस इन द कर्नोजिकल ऑर्डर तो सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे पहले आएगा निजाम ऑफ हैदराबाद फिर आएगा मैसूर इसके बाद थर्ड पर आएगा अवध और लास्ट में आएगा पेशवा तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है सही इसका नेक्स्ट इज़ लॉर्ड वेलिसली तो लॉर्ड वलीसली का जो टाइम पीरियड था 1798 से 1805 इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था तो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 से फ़र्स्ट स्टेट टू बी फ्रॉम द दबरी अलायंस वाइज निज़ाम हैदराबाद सेवनटीन नाइन्टी एट तो जो सब्सिडरीजी अलायंस सिस्टम से, से जो इन्होंने अकवार किया था पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद सेवनटीन नाइन्टी एट में उसके बाद मैसूर को किया था सवेंटीन नाइन्टी नाइन में तंजूर को किया था सेवनटी नाइन्टी नाइन में अवध को किया था एट्टीन जीरो वन में पेशवा को किया था एट्टीन जीरो टू में भोसले राजा बरड़ को किया था एट्टी जीरो थ्री में और सिंधिया को किया था

सॉरी फर्स्ट गवर्नर तो थे क्लाइव थे फर्स्ट गवर्नर जनरल वेरी नेक्स्ट थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे लुइस माउंट बेटन फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वी सी बेनर्जी फर्स्ट वाइसरे ऑफ इंडिया लॉर्ड गैनी और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो थे सी गोपालाचारी तो उम्मीद करता हूँ आज सेशन आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर ऐसे जुड़े रहें डे बाई डे अपने को इंक्रीज़ करते रहें बेस्ट ऑफ आर योर एग्जाम थैंक यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है एंड थैंक यू